हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोसिक स्वेट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस, वो है नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग। ठीक है, सो आपके पर्सन आपके लिए क्या भावनाएं रखते हैं और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा और आपका क्या भावनाएं हैं उनके लिए, वो भी हम देखेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन इस तरह का सिचुएशन होते हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ आपका बिल्कुल नो कांटेक्ट है, आदर ब्लॉक्ड है या हो सकता है बहुत ही कम कांटेक्ट होता हो। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। तो कहीं ना कहीं पे इस रीडिंग में हम वही फाइंड आउट करेंगे। दिस रीडिंग विल बी टाइमलेस, जेंडर न्यूट्रल, कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि बहुत सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो ना हो, तो प्लीज जो हो रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम थोड़ा सा आपका एनर्जी देख लेते हैं। इस डेक से हम एक जो क्यूट वाला डेक है ना, इससे हम पता करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। पहले हम देख लेते हैं कि आपका क्या एनर्जी है इस वक्त और आपका क्या फीलिंग्स है इस वक्त। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। की मेरे जो व्यूअर्स है उनके इस वक्त का क्या करंट फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो क्या भावनाएं हैं उनको अपने पार्टनर के लिए। Patience, 16 number is important. We do have the blossoming abundance, 3 number is important. So 7, 3 significant ho sakta hai. 53, that is 8, the magician and the mirror. 34, it comes to 7 again. Door to personal, healing and happiness. Attachment at the bottom of the deck. Aur hai hostilities, okay. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है आपके राशि। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे राशि यहाँ पे आ चुका है। जेमिनी इज इम्पोर्टेंट, मिथुन राशि इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड वर्गो इम्पोर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं पे बॉटम ऑफ द डेक इज वेरी इम्पोर्टेंट एज यू ऑल नो। अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से है, मतलब एडिक्शन इस तरह से हो चुका है आपका इनके लिए कि इनके बिना ना, चाहे इनके कुछ भी पर्सनालिटी आप देखो, चाहे इनके आप नेगेटिव साइड देखो, चाहे इनके आप पॉजिटिव साइड ही देखो, ठीक है, आप इनके बिना नहीं रह पाते। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल, यस आई कैन गिव एग्जांपल, एक बाउल ऑफ आइसक्रीम है, ठीक है, और सिर्फ बोला जा रहा है हमें कि आप बाउल के बिना खा लो, सिर्फ आइसक्रीम ऐसा दे के हमारे हाथ में बोल रहा है ऐसे ही आप खा लो, तो कोई खा पाता है नहीं ना। सो कहीं ना कहीं पे एक फल जो है अपने पेड़ से कितना अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, बाद में हम उसको तोड़ देते हैं, उसी तरह से अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है बच्चे के, जो माता है उसके जो गर्भ है, ठीक है, उसके गर्भ में बच्चा जो है That remains attached, okay? So उसी तरह से एक बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल आप बोल सकते हो there is a kind of addiction, लगाव इतना ज्यादा है, लत इतना ज्यादा है कि आप नहीं रह पाते हो इनके बिना। पूरी तरह से आपकी दुनिया जो है ना रंगीन से बेरंग हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, और आप अपने पास्ट को भी भूल नहीं पा रहे हो एट एनी कॉस्ट। इनके बिना आपको लगता है कि पूरी तरह से सोनापन है, और यही ये अगर आपके ज़िंदगी में लौट के आए, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपके दिल में अभी भी इनके लिए बहुत सा बड़ा जगह है, बिकॉज यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी नर्चरिंग, आप बहुत ही क्यूट इंसान हो, आप बहुत ही दिलदार इंसान हो, आप इनके लिए हमेशा रेडी ही रहते हो कि इंसान को वेलकम करने के लिए आपके लाइफ में। इनको आपने कई मौके दिया है, ठीक है, लेकिन शायद इन्होंने अपने आप को साबित नहीं कर पाया या जो भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग,
आप इनके लिए अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हो, जिस तरह से हम एक मैसेज का, आप इनके मैसेज का, कॉल का, वेट का, यू आर वेटिंग फॉर दिस। वेटिंग गेम में मत रहा करो। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, डोंट बी इन द वेटिंग गेम। एक एडवाइस मैं देना चाहूंगी जरूर, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो होरा है स्टिल नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है आपके ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेटिव है। ठीक है, अभी भी मैं उनका फीलिंग्स नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा ठंडा किस्म के इंसान है, इंट्रोवर्ट है, और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। मुझे पता नहीं इनके जादू आपके ऊपर कैसे चल गया। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप चाहते हो इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, शांति आप चाहते हो, एंड डेफिनेटली उनके तरफ से ही इनिशिएटिव। ठीक है, वो खुद ले और एक बेरंग जिंदगी से एक रंगीन जिंदगी में, ठीक है, आपकी जिंदगी कन्वर्ट हो, ये आप चाहते हो। आप चाहते हो इनके साथ रिलैक्स करना। ठीक है, एंड डेफिनेटली ऐसा जगह पे आप जाना चाहते हो जहाँ पे सिर्फ वो और आप हो, और यू मे बी अ नेचर लवर, यू मे बी। ठीक है, और जब भी मॉर्निंग से लेके नाइट तक यू आर टोटली इन, यू कैन से यू आर क्रेजी अबाउट दिस पर्सन, यू आर एंटायरली क्रेजी। आपको पता है, शायद आपको गाइडेंस भी मिलता है कि डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करने चाहिए, लेकिन आपसे हो नहीं रहता। जैसे होता है ना कि कुछ पार्सल आने वाले होते हैं, हमको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया है, लेकिन वो जब तक हमारे पास नहीं आता है, सपोज ऑनलाइन में हमने ऑर्डर किया है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट, लेकिन वो हमने ऑर्डर ही किया है उसको, हमने फिजिकली उसको टच नहीं किया है, राइट, लेकिन वो आता है, फिर हम एक्साइटेड हो जाते हैं, चलो चलो खोल के देखो क्या है, अरे हमें पता है वो क्या है, फिर भी हम देखते हैं ना। तो इसी तरह से आप इंसान को जानते हो, पहचानते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ इनका मुलाकात हुआ है, बातचीत हुआ है, कुछ लोग इंटीमेट हुए हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ भी हो आप लोग, बट स्टिल यू आर टोटली मैड इन लव विद दिस पर्सन एंड यू कैन नॉट वेट। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं, वेट मतलब वो नहीं है, आप ऐसे वेट कर रहे हो लेकिन आपसे सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी 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 कर रहे हो। अभी आप अपने पर्सन के बारे में सोचो, एंड देन आई विल जस्ट लेट यू नो कि इनके फीलिंग्स क्या है, इनके भावनाएं क्या है। ओके, सो यू आर वेरी ओपन हार्टेड, आई कैन सी लाइक दैट। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो भी पर्सन हैं वो क्या फीलिंग्स रखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं उनके पर्सन उनके लिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है, द चैरियट, कैन यू सी दैट, द चैरियट। ठीक है, द सेवन नंबर इज इम्पॉर्टेंट। दो कार्ड यहाँ पे आ गया है, थ्री ऑफ पेंटेकल्स। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, द कैंसर। वी डू हैव द स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि, यहाँ पे कर्क राशि, वृषभ कन्या, मकर राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, द हायरोफेंट, वाओ। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, आई एम रियली यू कैन से एक्साइटेड अबाउट दिस कार्ड ऑलवेज, एट ऑफ पेंटेकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक द फूल। ठीक है, बेसिकली देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नंबर्स है 3, 6, 8, 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 17, 26, ओके, एज वेल एज 8th डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑगस्ट महीने इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3, 12, 21, 30th डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, 5, 14, 23rd डेट कैन बी इम्पॉर्टेंट, 00 आपको दिखाई दे सकता है, या हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब 8 बजे हो, या हो सकता है 8 से 12 बजे के बीच में आप इस रीडिंग को देख रहे हो, एंड मे बी एट द मिडनाइट जब सब लोग सो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे, एनीवे मैं सामने लेके बताऊंगी भी।
बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फूल कार्ड, ठीक है। ये इंसान जो है ना, बेसिकली अगर आप इस इंसान के नेचर को कंसिडर करो, ये कभी भी कोई भी काम के लिए ऐसा बिल्कुल सीरियसली नहीं सोचते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली इनका इस तरह से इरादे होते हैं कि एक बार मैंने ठान ले लिया तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ऐसे ही डीपली नहीं सोचेंगे इतना ज़्यादा, मतलब रिस्क ले लेंगे, ठीक है। देखो आपके पर्सन नो डाउट आपको स्टॉक कर रहे हैं, इस वक्त आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे ये तो पुराने बात हो गया, लेकिन जानकारी किस बात का? इस बात का जानकारी कि जब से आप दोनों डिटैच हुए हैं, जब से आप दोनों अलग हुए हैं, तब से लेके अभी तक क्या आपको कोई न्यू रिलेशनशिप मिला है, क्या आपके मेंटालिटी है आपके पोस्ट के वजह से। अब अगर आप कुछ पोस्ट करते हो, चाहे शेरो शायरी पोस्ट करो, चाहे अपना फोटो पोस्ट करो, तो वो जज करने की कोशिश करते हैं, वो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो प्रेम कहानी है आपका, हो सकता है कि बचपन से शुरू हुआ है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों स्कूल या कॉलेज फ्रेंड्स रह चुके हैं, या कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं। बेसिकली ये इंसान आपके और आना चाहते हैं, लेकिन एक चीज इनको रोकता है आपके और आने के लिए, एक तो है कि कोई महिला है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो कोई महिला है, ठीक है, जो एक डिवोर्सी हो सकता है, जो एक विडो हो सकती है, जो हो सकता है इनको करियर में हेल्प करते हो, इनके बॉस हो सकते हैं, या इनके एक्सट्रीम कोई कलीग हो सकता है। दूसरा चीज है पैसा। पैसा इनको रोकता है आपके और आने के लिए, लेकिन इन्होंने अभी तक आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, चाहे जो भी हुआ, ठीक है, ये कभी भी भूल नहीं सकते। दे कैनॉट फॉरगेट, एंड दैट इज 100% ट्रू। दे कैनॉट फॉरगेट यू, ये आपको भूल नहीं सकते, बिकॉज दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, इट कैनॉट बी फॉरगॉटन। ये भूला नहीं जा सकता है। ये इंसान कोशिश करता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। आफ्टर द चैरियट कार्ड वी डू हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बार बार ही बताया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज ऑलवेज अ कार्ड ऑफ बिल्डिंग अप द रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन कौन सा चीज, एक तो है ये शक करते हैं आपके ऊपर, दूसरा चीज है इनको हिम्मत नहीं मिलता है। एक बात है, हिम्मत क्यों नहीं मिलता है, शायद इनके पिताश्री, शायद इनके दादाजी ऐसे कुछ फैमिली से बिलोंग करते हैं जो काफी ऑर्थोडॉक्स है, जो काफी कंजर्वेटिव है, जो काफी ज्यादा अपना जो स्ट्रिक्ट रूल से चलाते हैं। मे भी उनके मजहब अलग है, मे भी उनके लैंग्वेज अलग है, रिलीजियन अलग है, कस्टम्स अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, वो चीज इनको रोकता है। दूसरा चीज है उन्हीं के कोई आसपास के महिला हो सकता है, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो महिला, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो कोई पुरुष, ठीक है, इनके जिंदगी में है, जो मे बी दिस पर्सन, इनके ऊपर आपके पर्सन का कोई जिम्मेदारी है, मे बी एक्स वाइफ, ऐसा भी हो सकता है, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, वट एवर, कि अभी भी एलिमनी दे रहे हैं, इनको पैसे की कमी है, अभी भी फाइनेंशियल क्रंच है आपके पर्सन के लाइफ में, तो ये डे एंड नाइट वर्क करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आपके और इनका इंटरेस्ट नहीं है, इट डज नॉट शो दैट। हिम्मत इनको नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, मे बी देयर रिलेटिव्स, देयर पेरेंट्स, हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता नहीं मानते हैं। एंड इनके जो है ना, ठीक है, आपके बारे में ये फाइंड आउट करने की जरूर कोशिश करते हैं कि आपका क्या रवैया है इनके लिए। क्या आप इनको कभी भी, अगर ये आपकी जिंदगी में आए, तो क्या आप अपने दरवाजे को खुला रखोगे जिस तरह से आप सोचते हो? ये तो आपकी अंतरात्मा चाहती है कि ये जब भी आए ये गेट ओपन रहे। यू ऑलवेज वॉन्ट टू वेलकम दिस पर्सन, ठीक है, इन योर हार्ट। बट ये इनको तो ये चीज पता ही नहीं ना, तो इनका तो शक होता है ना, ये हमेशा इन्वेस्टिगेटिव माइंड पे रहते हैं कि क्या आप फिर से चले जाओगे, या क्या आप ठुकरा दोगे इनको, क्या कोई और आ गया है आपके लाइफ में। इनको तो पता नहीं कि आप रीडिंग्स देख रहे हो, राइट? कुछ लोग अपने एक्स के लिए ही देख रहे हो, कुछ लोग, ठीक है।
देख तो रहे हो ना आप, आपके क्या ख्यालात है मैं देख रही हूँ ये चीज। यू आर वेरी स्मार्ट पीपल, यू आर वेरी काइंड हार्टेड ऑल्सो। आप हमेशा अपने दिल से भी सोचे हो और दिमाग से भी आपने सोचा है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, राइट? तो इनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैंने अपना माइंड तो मेकअप कर लिया, बट ये फ्यूचर में क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी, करेगा? मेरे पेरेंट्स क्या एक्सेप्ट करेंगे? मेरे पेरेंट्स मुझे दूसरे जगह पे, हो सकता है आपके जो आप कुछ दिन में ऐसा ही फाइंड आउट करो कि आपके पर्सन के कोई और जगह पे शादी फिक्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान वहीं पे भी रेडी नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है ना इंसान, पहली बात तो ये सेटल नहीं होना चाहते इतना जल्दी, मुझे जो इतना लग रहा है। दे डोंट वॉन्ट टू सेटल टू फास्ट, चाहे आप हो चाहे वो किसी के साथ हो, क्योंकि वो अपना जो प्रायोरिटीज है वो अपने काम पे दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी और एक रिलेशनशिप में फंसे हैं, जो डिवोर्सी है, जो अपने हस्बैंड से सेपरेटेड है, ठीक है, या इनके हस्बैंड कहीं और दूर पे रहते हैं, या इनके वाइफ कुछ और दूर पे रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, प्री मैरिटल रिलेशनशिप, समथिंग इज लाइक दैट, ठीक है। ये लेडी भी खतरनाक हो सकती है जो आपके पर्सन को आपसे अलग कर रही है। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इनको लग रहा है कि अगर मैं इनसे छुटकारा मुझे मिलना है तो मुझे इनको अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ेगा। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ। शायद आपको पता भी होगा इस लेडी के बारे में, ठीक है। ये भी हो सकता है इनके मॉम, इनके सिस्टर के प्रति इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। है तो फैमिली कंजर्वेटिव कुछ लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली जो है ना इनके रीति रिवाज से शायद आप वाकिफ नहीं हो, ठीक है। तो इनको लगता है क्या आप उनके परिवार के साथ एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है, क्या आप उनके रीति रिवाज को मान पाओगे, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, फ्यूचर के बारे में ये क्या सोचते हैं और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज बनता है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द जजमेंट, यस, डेफिनेटली देर इज अ पॉजिटिव फ्यूचर अहेड, ठीक है। अगर आपने मेहनत किया इस रिलेशनशिप में, इनका भी लगाव है आपसे, तो डेफिनेटली आपका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपको 10-10 दिखाई दे सकता है, यहाँ पे मैं रखती हूँ उस चीज को। द जजमेंट इज देयर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, 10 of Wands। लेकिन दोनों के तरफ से मेहनत आप दोनों को करना है, शायद प्रॉब्लम्स भी आ सकता है लेकिन करना है। फिर से फूल आ रहा है यहाँ पे, तो नई शुरुआत होगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। फिर से एक नई शुरुआत का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, भले एक जनरल प्रेडिक्शन है लेकिन सिचुएशन अगर रेजोनेट कर रहा है, सो ऑफकोर्स इट विल बी देयर। द मैजिशियन, यस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर मैनिफेस्टेशन का भी जरूरत है, यहाँ पे इनके तरफ से भी अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है ये इंसान, भले ही आपको लगता है कि थोड़ा सा घमंडी है, श्रूड है, थोड़ा सा एग्रेसिव है, जो भी है ये इंसान, लेकिन जब ये आपसे मोहब्बत किए है, प्यार किया है, ऐसे ही ये रिलेशनशिप को जाने नहीं देंगे। ओवरऑल द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आ, यू कैन से दैट, वेल डिफाइंड सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। ओ वाओ, 6 of Wands एट द बॉटम ऑफ द डेक, जीत हासिल होगी ही होगी। द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप इज क्वाइट पॉजिटिव, क्वाइट पॉजिटिव। आज का रीडिंग में ना 3 of Swords आया, ना कोई भी स्वर्ड्स आज नहीं आया है। स्वर्ड्स तो आया है बट डेफिनेटली इट्स नॉट इन दैट मैनर, पेज ऑफ स्वर्ड्स ही आया है सिर्फ, ना 3 of Swords आया है, ना 5 of Cups आया है, ना यहाँ पे कुछ चीटिंग का केसेस है, ना डिसीव है। हाँ है, अगर किया है उन्होंने तो रिटर्न बैक वही करेंगे। अगर ये ऐसा किए थे आपके साथ तो ये किसी घर वाले का बात सुनने नहीं वाले हैं, किसी का बात सुनने नहीं वाले हैं वो, ठीक है। उसके नीचे है किंग ऑफ पेंटेकल्स, सॉलिड स्टेबिलिटी ग्राउंड ऑफर ये करेंगे जरूर, बट यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया 10-10-10-3-10 एक साथ आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना जरूरत है, दो एक दूसरे के ऊपर आस्था रखना जरूरत है, ठीक है। आस्था रखिएगा आप लोग, तभी जाके ये रिलेशनशिप रियलिटी में बदलेगा, वरना ये इमेजिनेशन रह जाएगा फिर,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इफ यू आर डूइंग मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव एफर्मेशन डू दैट, इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं गाइस कि आप ये इंसान जो है ना, क्या इनके तरफ से कुछ मैसेजेस मैं देख लेती हूँ। सो देख लेते हैं इनके तरफ से कुछ मैसेजेस। ठीक है, ये निकल गया तो ये ले लेते हैं। यू आर नॉट अफ्रेड एट ऑल टू लेट पीपल नो वॉट यू रियली थिंक, मतलब आप बिल्कुल भी घबराते नहीं हो। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यू ऑलवेज वेलकम पीपल, आप हमेशा घबराते कभी भी नहीं हो दुनिया को बताने के लिए कि कितना ये रिश्ता आपके लिए मायने रखता है। येस, योर हग्स किसेस एंड वार्म एम्ब्रेस ब्रिंग मी सो मच कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस। वाओ, आपको इनके हग किसेस ये सब याद है भाई। Whenever I am with you, it is like we are in our special little world. जब भी आपके साथ होते हैं वो उनको लगता है कि आप स्पेशली आप इनके लिए मेड फॉर ईच अदर हो और दुनिया में सबसे अलग कपल हो। यू ब्रैग अबाउट अस हाउ हैप्पी यू आर इन आवर रिलेशनशिप, यू आर नॉट अफ्रेड टू टेल द वर्ल्ड, मतलब आप हमेशा ही रिलेशनशिप में इनको प्रायोरिटी दिए हो और बिल्कुल दुनिया को बताने के लिए घबराहट आपको कभी भी नहीं होती है। कितना प्राउड आप फील करते हो इस रिलेशनशिप के लिए। वी कैन नेवर स्टे मैड एट ईच अदर फॉर टू लॉन्ग बिकॉज वी लव ईच अदर वे टू मच टू स्टे एंग्री, मतलब आप जितना दोनों गुस्सा करो, ये इंसान ऐसा बोलना चाहते हैं कि जितना भी गुस्सा करे लेकिन आप दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। You understand me so well and you make an effort to make me happy. हमेशा आप ही ने कोशिश किया है, आप ही ने इनिशिएट किया है, उनको हमेशा खुश रखा है आपने। You are good. आपके पर्सन में आपको बता देती हूँ, प्रोफेशन वाइज हो सकते हैं ये कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं एंड दे कैन बी टीचर और प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई लॉयर रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकते हैं, कोई मार्केटिंग स्किल्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, कोई इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज में हो सकता है एंड ट्रैवलिंग इनका हो सकता है, बिजनेस इनका हो सकता है, दूसरा चीज़ है एचआर में हो सकते हैं एंड कोई डॉक्टर या नर्स हो सकता है, ठीक है। एंड योर पर्सन इनिशियल कैन बी टी पी एच आर ई, ई है ज़्यादा, पी एस ओ एम ए एस F and J and N. You are good. अगर नहीं initials है तो कोई बात नहीं भाई। You are good at giving me really great advice when I ask for it. जब भी उन्होंने आपसे कभी advice के लिए पूछा है तब आपने अपना best suggestions उनको दिए हैं। So this is where I'm ending the reading guys. I hope you like it and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6. Thank you so much.